dear students, today's topic is pollution of air and water. Dear students, as you know, pollution of air and water, as far as this topic is concerned, we are all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talk about the blue sky, clean water and fresh air that was available in their times. जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट इन दिनों हुआ करता था, आज इस किस्म का इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो जब ब्लू स्काई क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर की बात करते हैं, ब्लू स्काई क्लीन, एक जमाना था जब आसमान ब्लू हुआ करता था, जब एयर क्लीन हुआ करता था एंड फ्रेश वाटर हुआ करता था. आज पूरी दुनिया में इन तमाम चीजों के लिए आज लोग तरस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और क्लीन एयर के लिए तरस रहे हैं. तो बुनियादी जो कारण है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी हमने दो चीजों को आलूदा किया है, एक एयर को और वाटर को, और जो हमारी जिंदगी में इंसान की बका के लिए बहुत ही जरूरी है. अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, चाहे वो अखबार हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टीपली राइजिंग, जो दिन ब दिन रेस्पिरेटरी डिजीजेस इसकी जो तादाद है वो भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. तो मेन काज यही है कि एयर एंड वाटर पोल्यूशन की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, चाहे खासकर रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें भी खासा इजाफा होता जा रहा है. इम्पोर्टेंस अगर देखें एयर एंड वाटर, इसकी अहमियत सबको पता है, लेकिन द हार्मफुल चेंज टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, यानी इसकी इम्पोर्टेंस ये है, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड. फूड के बगैर हम थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर एयर एंड वाटर की बात करें, एयर एंड वाटर के एक मिनट एक सेकंड के लिए हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो इसे वाटर और एयर की अहमियत का पता चलता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस दैट हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस. इससे पता चलता है कि एयर और वाटर की अहमियत, और जो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर जिसका जिम्मेदार इंसान खुद है, कि अगर हमने इस पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की रफ्तार को ऐसे ही रखा, तो जो मुख्तलिफ किस्म की जो रेस्पिरेटरी डिजीज या एनवायरमेंट पे जो असर होगा, वो न सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स पे, भी ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ सकता है. यही वजह है कि हमें पता है कि एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर है इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अगर बॉय वॉल्यूम की बात करें, एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, इसमें जो 78% है, जो आपने पिछले क्लास में देखा, 78% इसमें नाइट्रोजन होता है, 78% 21% ऑक्सीजन, और जो बाकी गैसेस होते हैं इसमें, बाकी गैसेस में भी इस एयर में होता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एआर, सीएल4, मीथेन, ओजोन, CO3, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. वाटर वेपर भी इसमें मौजूद होता है, लेकिन ये तमाम कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, दे आर ऑल प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. डियर स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन की बात करें, अगर हम देखें मिसाल के तौर पर ब्रुकलिन, जहां पे ईंटे मीटे बनाते हैं, अगर वहां से आप हम चलेंगे, या वहां आपका तजुर्बा हो, कोई कहीं आपने वहां चक्कर लगाया होगा, तो वहां कितना स्मोक इमिट हो रहा, या अगर आप बिजी ट्रैफिक में चल रहे हो.